देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर आज देश में हर कोई उन्हें याद कर रहा है। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने 2002 से 2007 के बीच भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक और विचारक थे। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक नौका चालक थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को लाने जाने का काम करते थे। उनकी माँ एक गृहिणी थी। एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी। वैज्ञानिकों की पूरी टीम को उन्होंने लीड किया था। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम से भी वह जुड़े रहे थे। भारत की मिसाइल परियोजनाओं के विकास में कलाम के योगदान के लिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन का श्रेय उन्हें ही जाता है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और मिशन इंडिया अ विजन फॉर इंडियन यूथ जैसी लगभग 25 किताबें एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में लिखी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो कुंवारे और शाकाहारी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने देश और विदेश के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब्दुल कलाम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से 1999 यानी 7 सालों तक पीएम के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पहली बार अंग्रेजी में छपी थी। बाद में फ्रेंच और चीनी सहित 13 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और उनके किए कामों पर 6 आत्मकथाएं हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के घर में कभी टेलीविजन नहीं था, वो हमेशा रेडियो सुनते थे। उन्होंने इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया था। जब अब्दुल कलाम 10 साल के थे तो वह तमिलनाडु में अपने गृहनगर रामेश्वर में अखबार बेचा करते थे। डॉक्टर कलाम धर्म से मुसलमान थे लेकिन वह दिल से एक धर्मनिरपेक्षतावादी थे। उनका मानना था कि मानवता अन्य सभी धर्मों से ऊपर है। अब्दुल कलाम 1963 में नासा गए थे जिसके बाद उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SLV-3 प्रोजेक्ट डेवलप किया था। ये दोनों सैटेलाइट सफल साबित हुए थे। आज एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर लाइव लगातार उन्हें नमन करता है। इस खबर के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।